हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V का डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये बाइक डुअल चैनल ईबीएस के साथ में आ चुकी है और हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ये बाइक डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में आए और फाइनली दोस्तों ये बाइक आप लोगों के सामने खड़ी हुई है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बाइक का मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में भी इस बाइक को खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप पहचान करेंगे डुअल चैनल ईबीएस की, कैसे आप पहचान करेंगे कि ये टॉप मॉडल है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आप पहचान कैसे करेंगे कि ये डुअल चैनल ईबीएस है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है ना वो ये है दोस्तों कि इसमें दोस्तों आप लोगों को ना ये नया कलर ऑप्शन मिल रहा है। ये जो कलर ऑप्शन आपको मिल रहा है ब्लू मैट, ये डुअल चैनल ईबीएस में ही मिलेगा। ये कलर ऑप्शन सिंगल चैनल ईबीएस में आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है, आप दोस्तों मान लो ये कलर में डुअल चैनल ईबीएस खड़ी है तो आप पहचान कैसे करेंगे, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको जो ईबीएस की बैचिंग मिल रही है वो सिर्फ ईबीएस की बैचिंग मिल रही है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको सुपर मोटो ईबीएस की बैचिंग मिलती है। सुपर मोटो ईबीएस का मतलब होता है सिंगल चैनल ईबीएस जो कि फ्रंट ईबीएस काम करेगा। यहाँ पे ईबीएस का मतलब होता है कि डुअल ईबीएस, दोनों ईबीएस काम करेगा। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली आपको मिल जा रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, सिंगल चैनल ईबीएस वाली टॉप मॉडल एक्सोरूम प्राइस आ रही थी 1,33,000, 1,35,000 रुपये के आसपास की आपको वो एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल रही थी। अब अगर दोस्तों हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये एक्सोरूम प्राइस आ रही है लगभग 1,37,000, 1,37,000 रुपये के आसपास की आपको ये एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल रही है। मेरे स्टेट में इतना ही होगा और आप लोगों की अगर आपको प्राइस पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिव्यू में आते हैं। सबसे पहले मैं इसकी की ऑन करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं की ऑन करूँगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे LED जो DRL लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलता है, जिससे भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी बैचिंग भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको बैचिंग जो है वो भी आपको मिल जाएगी। लाइट की इल्यूमिनेशन जो विजिबिलिटी है ना वो भी आपको बहुत तगड़ी मिलती है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ लाइट, कैन सी। देखिए, इसकी लो भी हाई हो गई, ठीक है। पास मारूंगा मैं तो ये पूरी लाइट ऑन हो जाती है। तो लाइट की इल्यूमिनेशन जो विजिबिलिटी ना आपको बहुत तगड़ी मिल रही है। इन कंपनी ने भाई जो लाइट दिया ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ठीक। कहना सिंगल लैप आपको इसमें जो है बल्ब देखने को मिलेंगे। एक मुझे माइनस पॉइंट लगता है कि भाई अब तो डुअल चैनल ईबीएस भी आ गया तो एटलीस्ट इसमें आपको LED इंडिकेटर दे देना चाहिए था। बात करें फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में दोस्तों इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलेंगे, बट नो डाउट इसकी जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो आपको बहुत सुपर मिल जाती है। कंपनी ने बहुत अच्छे सस्पेंशन दिया है। टायर साइज में फ्रंट में आपको 90/90 की जो टायर साइज है आपको बाइक में फ्रंट में देखने को मिलता है। बात कर लें इसके ब्रेकिंग के बारे में, ब्रेकिंग में दोस्तों स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटी लॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। यह दोस्तों ईबीएस है क्योंकि डुअल चैनल ईबीएस आपको बाइक में देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें इसकी प्लेट साइज़ के बारे में, तो फ्रंट में दोस्तों आपको जो प्लेट साइज़ मिलती है वो मिलती है 270 mm की प्लेट साइज़ आपको बाइक में मिलेगी विथ डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंजन के बारे में डिटेल्स में आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों आपको बता दूँ, इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 159.7 cc का ऑयल कूल 4-स्ट्रोक SOSC सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, ये मैक्सिमम पावर में 17.55 का PS पावर जनरेट करती है, मैक्सिमम टॉर्क में 14.73 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। लेकिन मेरी नज़रों में दोस्तों ये 160 सेगमेंट की जिस प्राइस में आती है उसमें सबसे ज़्यादा पावर फुल बाइक ही आपको मिलेगी अपनी अपाचे आरटीआर 164V। कूलिंग सिस्टम में ऑयल कूल विद एयर रैम असिस्टेंट मिलता है। फ्यूल सिस्टम में FI मिलता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। इसकी बोर्ड साइज 62 mm की है। स्ट्रोक साइज आपको बाइक में 52.9 mm की मिलती है। 5 गियर के साथ में आती है, साथ में आपको 4-valve जो इंजन है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच के साथ में आती है, प्लस इसमें आपको हाइपर एज इंजन मिलता है। साथ में दोस्तों इस बाइक में आपको जो है E20 की बैचिंग भी मिल जाती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा दिस इज़ लेटेस्ट नॉर्म्स इंजन। बात कर लें दोस्तों इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में, आपको मैं बता दूँ दोस्तों ये बाइक मिनिमम आपको लगभग डिपेंडिंग ऑन योर राइड बट फिर भी 40-45 के आसपास का माइलेज ऑफर कर देती है।
जीरो टू हंड्रेड में दोस्तों इस बाइक को लगभग 15.6 सेकंड लगते हैं, इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको लगभग 120 से 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस बाइक की देखने को मिल जाएगी। ठीक, अब आते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले आपको उसकी टेल लाइट दिखाता हूँ, जैसे मैं की ऑन करूँगा टेल लाइट ऑन हो गई। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बाइक में LED जो टेल लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। सस्पेंशन की जो क्वालिटी है भाई मुझे आपको बहुत सुपर देखने को मिल जाती है। जो टायर साइज मिलेंगे दोस्तों रियर में वो आपको मिलते हैं, टायर साइज है इसके 130/70 के टायर साइज आपको रियर में मिलेंगे। प्लस रियर में आपको जो प्लेट साइज़ मिलती है वो आपको 200mm की प्लेट साइज़ रियर में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये बाइक का एग्जॉस्ट है, आपको डुअल बैरल टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है, हालांकि सिंगल बैरल है बट डुअल बैरल टाइप का मिलता है। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है मतलब काफ़ी बेसिक साउंड मिलता है, मैंने आपको शुरू में इसका एग्जॉस्ट लुक भी दिया था। रियर में आपको जो सस्पेंशन मिलेंगे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत सुपर मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपाची की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको 164V की बैचिंग मिल जाती है। बात करें इसकी सीट के बारे में, सीट में दोस्तों इस बाइक में आपको सिंगल सीट मिलती है। ठीक, जैसे 200 में स्प्लिट सीट मिलता है, इसमें सिंगल सीट मिलता है, जिससे सिंगल सीट है और फोम क्वालिटी जो है वो भी आपको बहुत सुपर मिल जाएगी। ये बाइक की टैंक डिज़ाइन है, टैंक का डिज़ाइन भी आपको बहुत सुपर मिल रहा है, यहाँ पर आपको 820 की भी बैचिंग मिल जाती है। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप की देख लीजिए, सेप का की आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं TVS की बैचिंग भी आपको यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों स्पीडोमीटर में इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर जो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं टेकोमीटर है, जिसे RPM मीटर कहते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, ये आपका क्लॉक मिलता है, यहाँ पे एवरेज स्पीड है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, ये ब्लूटूथ की बैचिंग है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है। स्विचेस में आप चेंज करके देखिए और क्या फीचर है, तो यहाँ पे ट्रिप वन ट्रिप बी लाइफ टाइमर आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको फीचर की कोई कमी नहीं मिलेगी। प्लस इसमें राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको एक स्विच मिलता है मोड का, जिससे आप मोड चेंज कर सकते हैं, अर्बन स्पोर्ट्स उसके बाद रेन, नंबर ऑफ 3 मोड्स आपको इसमें मिलेंगे और ये RPM लिमिटर है। ठीक, स्विचेस में पास से स्पीड टर्न लो बीम हाई बीम, ये आपका स्पीडोमीटर के लिए, टर्न सिंगल लैप हॉर्न, यहाँ पे आपको इंजन के स्विच मोड का स्विच, एक स्लाइड के लिए स्विच, प्लस एक सेल्फ स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। मतलब फीचर वाइज भी जो है बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आपको मिलेगा। ग्रेबरेज की क्वालिटी आप देख पा रहे, भी आपको काफ़ी सुपर मिलेगी। बात कर लें दोस्तों इस बाइक के डिमिनेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में, दोस्तों आपको बता दूँ इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है लगभग 2035mm की, ओवरऑल वीथ है 790mm की, ओवरऑल हाइट है 1050mm की, सीट हाइट है इसकी 800mm की, आपकी हाइट अराउंड 5.2 है, सुपर है तो कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm का, व्हील बेस है 1357mm का, कर्व वेट है 146 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर के आसपास की देखने को मिल जाती है। स्वेद है दोस्तों ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 164V के डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वेरिएंट का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। पर्सनली दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और डुअल चैनल ABS के साथ में हम उम्मीद कर रहे थे काफ़ी दिनों से, फाइनली कंपनी ने अपडेट लाया है। आपको कैसे लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।